बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस कक्षा में जीव विज्ञान के पाठ जैव विविधता एवं संरक्षण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं, हमें इसमें पढ़ना है कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की संकल्पना क्या है, जैव विविधता के विभिन्न स्तरों के बारे में हम जानेंगे, पृथ्वी पर जैव विविधता किस प्रकार पाई जाती है, कहां कहां पाई जाती है इसके विषय में हम लोग जानेंगे, जैव विविधता के प्रतिरूप क्या क्या हैं, जातीय विविधता का पारिस्थितिक तंत्र से क्या संबंध स्थापित है उसके बारे में जानेंगे, जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण क्या क्या हैं इस विषय में हम लोग जानकारी पाएंगे, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या विधियाँ अपनाई जा रही हैं और इसको कैसे संरक्षित किया जा रहा है इस विषय में हम लोग जानकारी पाएंगे, और इसके लिए किए गए प्रयास, इसके संरक्षण के लिए जो किए जा रहे प्रयास हैं इसके विषय में भी हम लोग जानकारी पाएंगे। बच्चों, हम लोग जो अध्याय अध्ययन कर रहे हैं जैव विविधता, बच्चों हम लोग जैसे ही अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर भांति भांति प्रकार के पौधे पाए हैं, भांति भांति प्रकार के जंतु पाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे तो ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जिनका नाम भी हमें ज्ञात नहीं है। बच्चों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली इसी विविधता को ही हम लोग जैव विविधता का कहते हैं, इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। बच्चों, जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से हम लोग देखते हैं कि विषाणु से लेकर के जीवाणु, उसके बाद परपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणुओं से जंतुओं के एक युग की शुरुआत होती है जो कि प्रोटोजोआ से लेकर के आगे पोरिफेरा, सीलेंटेटा, एस्केहेलमिंथेस, नेमेटेहेलमिंथेस, मोलस्का, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा तथा कॉर्डेटा तक ये विकास क्रम पहुँचता है। अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पाते हैं कि ये स्वपोषी जीवाणुओं के बाद हमारे शैवालों की उत्पत्ति होती है, शैवाल से ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे पाए जाते हैं। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस पृथ्वी पर एक सूक्ष्म शैवाल से लेकर के एक बड़ा बरगद, एक बड़ा सिकोया ट्री पाया जाता है जो कि इस जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। बच्चों, जंतुओं में हम देखते हैं एक सूक्ष्म, जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, देखते हैं कि एक सूक्ष्म चींटी पाई जाती है। कितना छोटा सा जंतु है, चींटी है। बहुत से तो ऐसे भी जंतु, जलीय जंतु हैं जैसे अमीबा हैं, इनको हम लोग आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिक हैं। और इसके बाद कुछ इतने वृहद हैं कि जैसे हाथी है, जलीय प्राणियों में देखते हैं तो व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता जो प्रकृति है हमारी, इसमें जैव विविधता कितनी कूट कूट कर भरी हुई है, जो विभिन्नता है ये कितना अधिक पाई जाती है, और इसी विभिन्नता को हम लोग आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैव विविधता के विषय में सन 1992 में एडवर्ड विल्सन ने बताया कि जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। बच्चों, एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का पिता भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने जैव विविधता पर बहुत अधिक कार्य किया है। बच्चों, रोजेन नामक जो हमारे पर्यावरणविद थे, उन्होंने 1992 से पहले ही, सन 1985 में ही जैव विविधता शब्द का से हमें लोगों को परिचय करा दिया था, उन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। बच्चों, जैव विविधता को यदि हम एक शब्द में, इसको यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो यह जो जैविक विविधता होती है ये आणविक स्तर से प्रारंभ होती है, जो कि जीनी स्तर, शारीरिक स्तर व समूह स्तर तक पाई जा सकती है। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जैव विविधता के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं जिनमें जैव विविधता पाई जा सकती है। सामान्य रूप से जब हम जैव विविधता के स्तरों का विभाजन करते हैं तो इसे हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक आनुवंशिक विविधता, नंबर दो जातीय विविधता तथा नंबर तीन पे है पारिस्थितिक विविधता। नंबर एक पे कर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं इसके बारे में, आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता वह विविधता होती है जो हमारे जीव जातियों में सूक्ष्म विभिन्नता के कारण उत्पन्न हो जाती है, और ये सूक्ष्म विभिन्नता जो उत्पन्न होती है ये आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और ये आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किसी भी जीव के शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों में उपस्थित जीन्स
की रचना या उनके स्थान में परिवर्तन के कारण होता है। इस सूक्ष्म विभिन्नता के कारण, इस सूक्ष्म आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, बहुत सूक्ष्म अंतरों के कारण प्रजातियों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आनुवंशिक विभिन्नता का नाम देते हैं। इस तरीके से हम लोग बच्चों देखते हैं कि भारत में लगभग धान की 50,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सब धान हैं, किंतु उसमें सूक्ष्म विभिन्नता के कारण उनकी प्रजातियाँ अलग अलग हो गई और आज उनकी संख्या लगभग 50,000 तक पहुँच गई है। बच्चों, भारत में आम की लगभग 10,000 प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है। दूसरी विविधता के बारे में हम जब बात करते हैं, जातीय विविधता। बच्चों, जो जातीय विविधता होती है, यह ऐसी विविधता होती है कि जो जाति समूहों के रूप में पाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर किसी एक विशेष प्रकार के जीव बहुत अधिक पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में वो जीव नहीं पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है तो रेगिस्तानी क्षेत्र में रेगिस्तानी सांप बहुत अधिक पाए जाते हैं, अन्य जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर जलीय सांपों की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक पूरी प्रजाति का जो विस्तार होता है, ये जाति विविधता कहलाता है। इसके एक उदाहरण के रूप में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर उभयचर बहुत अधिक पाए जाते हैं। जो पश्चिमी घाट होते हैं, पश्चिमी घाट चूँकि जलीय क्षेत्र है तो पूर्वी घाट की तुलना में जो हमारा पश्चिमी घाट होता है यहाँ पर उभयचरों की संख्या बहुत अधिक है। पूर्वी घाट में, चूँकि पूर्वी घाट हम जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ उभयचर तो कम होते हैं, स्थलीय प्राणी ज़्यादा होते हैं, किंतु जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, जो हमारा पश्चिमी घाट है, वहाँ पर उभयचरों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि इस जाति विविधता को परिलक्षित करती है। बच्चों, तीसरी आती है पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता क्या होती है? पारिस्थितिक विविधता विविधता होती है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। पारिस्थितिक तंत्र के परिवर्तन से क्या तात्पर्य हो सकता है? बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र का परिवर्तन, हम जानते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिक पर्यावरण है, हमारा पारिस्थितिक जो तंत्र है, वो जैवीय और अजीवीय घटकों से मिलकर के बना होता है। जब इन घटकों में किसी कारण से कुछ परिवर्तन होता है, कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो उसके कारण पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसमें कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है, कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और उस पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण, गड़बड़ी के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसे पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे वर्षावनों में देखते हैं कि बहुत अधिक ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो जलीय पौधे हैं, जो वर्षावनों में पाए जा सकते हैं। रेगिस्तान में रेगिस्तानी पौधे जैसे नागफनी, ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन्हें जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से हम इस पारिस्थितिक विविधता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। बच्चों, इसके बाद अब हमें थोड़ा सा समझना होता है कि पृथ्वी पर जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार से पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है। बच्चों, आप जान रहे हो, आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता का एक समृद्ध क्षेत्र है। ये जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, IUCN जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है, उसने बताया है कि पृथ्वी पर लगभग 15,00,000 से अधिक प्रजातियों की अब तक पहचान की जा चुकी है। हालांकि यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो ये पहचान की बात हम कर रहे हैं कि 15,00,000 जीव जातियों की पहचान हुई है, इसमें पौधे भी शामिल हैं, इसमें जंतु भी शामिल हैं, पर वास्तविक रूप में इस पृथ्वी पर जो पाए जाने वाली जीव जातियों की संख्या है वो करोड़ों में है। हम अगर रॉबर्ट म्यो का एक व्याख्यान लेते हैं, रॉबर्ट म्यो ने बताया है कि पृथ्वी पर अभी तक जितनी प्रजातियां पाई जा रही हैं, जिनकी हमने पहचान की है, वो उन पहचान का जो प्रतिशत है वो मात्र 22% है। जो अर्थात जितनी जातियां पाई जा रही हैं उसमें से केवल 22% जातियों की ही हम लोग पहचान कर पाए हैं। बहुत सी जातियाँ तो ऐसी हैं कि जो उत्पन्न तो हुई थी किंतु वे लुप्त भी हो गई और हम उनकी पहचान भी नहीं कर पाए। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस और इन जो प्रजातियां हैं जिसमें लगभग 70% जंतु जातियां हैं तथा जो 22% पादप जातियां हैं, इनमें से 70% जंतु जातियों में भी जो सबसे बड़ा वर्ग होता है हमारा, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जंतु जातियों का पूरा विकास का जो एक क्रम है,
जो पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति से लेकर अब तक का जो एक क्रमिक उद्विकास हुआ है, उस विकासी क्रम में जो हम देखते हैं तो हम इसे दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में इसका वर्गीकरण करते हैं। एक होते ऐसे जीव होते हैं जो नॉन कॉर्डेट होते हैं अर्थात अकशेरुकी जंतु होते हैं, और दूसरे होते हैं कशेरुकी जंतु अर्थात कॉर्डेटा समुदाय के जंतु। तो जो कॉर्डेटा के अलावा नॉन कॉर्डेट है अकशेरुकी जंतु हैं अर्थात उसके अंदर प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, सिलेंटेटा, मोलस्का आदि आदि जो हमारे आर्थ्रोपोडा समुदाय तक आता है, जो पूरा संघ आता है, इसमें ये लगभग बहुत बड़ा है और ये लगभग इस ये 70% कुल जीव जातियों, कुल जंतुओं का 70% भाग कवर करता है, इसको लेता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो वर्ग है वो हमारा कीट वर्ग है। कीट वर्ग, जैसे कीट वर्ग में हम आपको बताएं कि पृथ्वी पर आप आश्चर्य करेंगे जान के कि लगभग 20,000 प्रजातियां केवल चींटी की पाई जाती हैं। एक जमीन पर रेंगने वाला जो छोटा सा कीड़ा बीटल होता है, जिसको हम लोग बीटल के नाम से जानते हैं, उसकी लगभग 3,00,000 प्रजातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। 70,000 प्रजातियों के मोलस्कंस यहाँ पर पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस लगभग 42,000 प्रजातियां हैं जो क्रस्टेशियंस की हैं। 110,000 प्रजातियां ऐसी हैं जो अन्य के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, हम अगर कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं, कशेरुकी जंतुओं का जब अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि इसमें जो जलीय प्राणी हैं अर्थात जो मत्स्य वर्ग के जीव हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। मत्स्य वर्ग से आप लोग समझ सकते हो कि इसके अंतर्गत मछलियां पाई जाती हैं। तो लगभग कॉर्डेटा की जो कुल आबादी है इस संघ की, कॉर्डेटा की, इसमें जो हमारा मत्स्य वर्ग है ये सबसे बड़ा है। कॉर्डेटा को कई भागों में बांटा गया है। कॉर्डेटा को मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग, उभयचर और हमारा स्तनधारी वर्गों में उसे विभाजित किया गया है। तो उसमें हमारा आधा जो उसका हम मोटा मोटा अगर उसका डिवाइड करते हैं तो पाते हैं कि कुल कॉर्डेटा का आधा भाग लगभग जो है वो मत्स्य वर्ग से है, और तथा आधे भाग में ये सारे जो 4-5 वर्ग होते हैं ये सभी वर्ग उसमें पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग बराबर होती है। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता के प्रतिरूप क्या क्या है। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है यह एक समृद्धशाली जैव विविधता को परिभाषित करती है। यहाँ पर एक समृद्धशाली जैव विविधता पाई जाती है। पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता का भंडार है। भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और इस विविधता से हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो पर्यावरण, इतने आकर्षित हुए हैं कि मैं आपको बताऊँ कि डार्विन, जिनको हम सब लोग जानते हैं, जिनका अध्ययन हम लोगों ने जैव विकास अध्याय में किया है, उसमें हमने देखा है कि जैव, उन्होंने प्रकृति की इसी विविधता से प्रेरित होकर पूरे विश्व का भ्रमण किया था, और पूरे विश्व का एक बार एक बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का सर्वेक्षण किया, उसका भ्रमण किया, और उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, और समस्त उन्होंने उन जीव जातुओं पर जो सिद्धांत प्रस्तुत किए उनका जो एक प्रमुख सिद्धांत था विभिन्नता, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो विभिन्नता है उसी विभिन्नताओं के फलस्वरूप ही जो हमारी जीव हैं उसमें विविधता पाई जाती है। बच्चों, जैव विविधता पर क्षेत्र का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी को हम लोग कई भागों में हम लोगों ने बांटा हुआ है। इसमें हम देखते हैं पृथ्वी का एक भाग जो मध्य भाग है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के मध्य भाग से जाती है, तथा एक भाग उसका उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो हमारी भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। हालांकि ये माना जाता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि ये निकल रही रेखा जाती है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है वो जैव विविधता के लिए सर्वोत्तम होता है। अर्थात यहाँ जैव विविधता अच्छी मात्रा में पाई जाती है, किंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए कुछ तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 13.5 डिग्री साउथ तक जैव विविधता बहुत अच्छी फलती फूलती है, उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोर होती जाती है। क्यों कमज़ोर होती है, उसके विभिन्न कारण हैं, मैं हमको आपको आगे इसका अध्ययन बताते हैं इस बारे में। और हम आपको बताएं कि जो हमारा कर्क रेखा है वो हमारे भारत से भी होकर जाती है, इसीलिए भारत भी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली देश है। भारत में लगभग 4500 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, पादप जातियाँ पाई जाती हैं, और लगभग 9000 प्रकार की जंतु जातियाँ यहाँ पर जो हैं वो निवास करती हैं। बच्चों,
जो हमारी ये रेखाएं हैं, ये जो क्षेत्र है हमारा, जो विश्व के नक्शे पे मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं कि जो अफ्रीका का क्षेत्र है ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न देश है और विश्व में सबसे अधिक यदि जैव विविधता कहीं पाई जाती है तो हमारी अमेजन घाटी, जो अब दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है और यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है और यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। बच्चों, इस अमेजन घाटी में लगभग 40,000 प्रकार के पादप, 5,500 प्रकार के कशेरुकी जंतु और लगभग 125,000 प्रकार के अकशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। बच्चों, ये जो इसको हम लोग इस जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे भूमध्य रेखा के आसपास का ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग अक्षांशीय प्रवणता के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि कैसे ये ऐसा क्यों होता है कि भूमध्य रेखा के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जैव विविधता अधिक होती है, क्यों होती है? वो ऐसा इसलिए होती है कि जब हम लोग और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव यहाँ पर और ये प्रश्न बनता है, इसका उत्तर यहाँ पर हम दे दें कि ये सत्य है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते रहते हैं वैसे वैसे जैव विविधता धीरे धीरे कम होती जाती है। बच्चों, इसका प्रमुख कारण ये होता है कि जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर हिमनद होता है और हिमनद के कारण जो वहाँ पर विविधता उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे नष्ट भी हो जाती है, बहुत अधिक समय तक वो स्थिर नहीं रह पाती है। इसलिए उस जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक नहीं होती है जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है और इसलिए जैव विविधता यहाँ सर्वाधिक होती है। अपरिवर्तित वातावरण, जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वातावरण है वो अपरिवर्तित रहता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर सभी जीव जातियों को अपने पूर्ण विकास का पूर्ण अवसर मिलता है और जो कि इस क्षेत्र को वो एक समृद्धशाली जैव विविधता का क्षेत्र बनाता है। नंबर 3 है सौर ऊर्जा की अधिकता। बच्चों, हम लोग सब लोग जानते हैं कि किसी भी जीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो सूर्य होता है और सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसको समस्त जीवधारी ग्रहण करते हैं। पौधे उसको सीधे ग्रहण कर लेते हैं और हम लोग उसको अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और जब इससे इसको ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्यों की बात करें तो हम लोग इसे विटामिन डी के रूप में भी लेते हैं और पौधों को प्राप्त ऊर्जा का एक अंश हमें भी प्राप्त होता है, तो दो प्रकार से हम लोग सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सौर ऊर्जा की अधिकता के कारण पौधे भली भांति अच्छी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फलते फूलते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और उसके कारण ऑक्सीजन भी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है जो समस्त जीवधारियों के लिए लाभकारी होती है। बच्चों, इसके बाद नंबर 2 पर जो तुंगी प्रवणता है उसका समझ लेते हैं कि तुंगी प्रवणता का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम लोग पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में कमी आती जाली जाती है, अर्थात पर्वतों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर, जब समुद्र तल से हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर जो उसकी जैव विविधता हो, जो 6.5 डिग्री जो तापमान होता है वो कम हो जाता है और जब तापमान कम होता है इसके कारण जैव विविधता में भी कमी आती है। बच्चों, इसके बाद हम लोग एक अध्ययन करते हैं कि जाति विविधता का पारिस्थितिक तंत्र में क्या महत्व है। हम लोग जानते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह जैव विविधता से सीधे संबंधित होता है। जो जैव विविधता पाई जाती है प्रकृति में, इतनी जैव विविधता उत्पन्न है, जो एक समृद्धशाली जैव विविधता जो दिखाई पड़ रही है, इसका मुख्य कारण यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब पारिस्थितिक तंत्र बहुत मजबूत होगा, जितना मजबूत पारिस्थितिक तंत्र होगा उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता भी उतनी ही समृद्धशाली होगी, क्योंकि एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैवी और अजैवी घटकों का जो पारस्परिक समन्वय है, उनकी आपस में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, जिसके कारण जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो बहुत मजबूत होता है और जो पारिस्थितिक तंत्र मजबूत है तो जैव विविधता भी बहुत फलती फूलती है। जैव विविधता, इसके बारे में डेविड टिलमैन ने भी बताया है कि जैव विविधता में वृद्धि पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता देती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है बच्चों कि यदि लगातार जीव जातियों की संख्या में कमी होती जाए तो मनुष्य या जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि लगातार जैव विविधता में कमी आएगी तो निश्चित रूप से जीव जंतुओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसको हमारे जो स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट हैं पॉल एहरलिक रिबेट,
इन्होंने अपनी पाल एहरलिक रिबेट पोपर परिकल्पना के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने इसको एक वायुयान के उदाहरण के द्वारा बताया। इन्होंने बताया वायुयान को एक पारिस्थितिक तंत्र माना और वायुयान में को जोड़ने वाली जो इकाइयां होती हैं जिनके द्वारा वायुयान के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ा जाता है जिसे हम रिबेट कहते हैं। वायुयान के रिबेट्स को इन्होंने जीव जातियां कहा। बच्चों हम लोग रिबेट समझ सकते हैं, रिबेट एक प्रकार की रिपीट होती है जिससे किसी भी चीज़ को जोड़ने का कार्य किया जाता है। इन्होंने बताया कि वायुयान की यात्री एक एक रिबेट को लेकर निकलने लगे तो धीरे धीरे वायुयान की जो सुरक्षा तंत्र होगा वो कमजोर होता जाता है। अब वायुयान का सुरक्षा तंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वो उससे जो निकलने वाले यात्री हैं जो रिबेट को लेकर के निकल रहे हैं वो वायुयान के कितने महत्वपूर्ण भाग को लेकर बाहर निकल रहे हैं। यदि कोई यात्री वायुयान के पंख के रिबेट को निकाल देता है और उसको लेकर बाहर निकल जाता है तो वायुयान की जो सुरक्षा तंत्र होता है बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। इस उदाहरण से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारा क्षेत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें इस बात का बहुत महत्व है कि जो जाति विलुप्त हो रही है अर्थात जो जाति जिसका ह्रास हो रहा है, विलुप्त की गगार पे है, वह जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यदि किसी महत्वपूर्ण प्रजाति का लोपन हो जाता है, लुप्त हो जाती है तो हमारा पारिस्थितिक उससे हमारी जैव विविधता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि लुप्त होने वाली प्रजाति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है अर्थात कम महत्वपूर्ण है तो उससे जैव विविधता पर प्रभाव कम पड़ता है। बच्चों जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं? जब जैव विविधता हो रही है तो हमें इसके कारण क्या है इसको समझना बहुत आवश्यक है। बच्चों हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। मनुष्य ने अपने अब भारत की ही बात करें तो और भारत की जनसंख्या धीरे धीरे आज 1,30,00,000 को पार कर चुकी है और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण इस मनुष्य को रहने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है, उसे अधिक खाने के लिए अधिक कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होती है और इसकी प्राप्ति के लिए वो निरंतर इस प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहा है जिससे हमारी जैव विविधता निरंतर नष्ट हो रही है। बच्चों हम आपको बताएं कि हमारा जो 1% था जो आज से 30-40 साल पहले जो 1% लगभग 22% था वो अब घट करके लगभग 18% हो गया है। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि जो जनसंख्या है बढ़ रही है, आवश्यकताएं जैव विविधता की आवश्यकता बढ़ रही है किंतु उसके जो जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो जैव विविधता का क्षेत्र है वो घट रहा है। नंबर दो शिकार। बच्चों शिकार जो है मनुष्य ने शिकार एक ऐसी परंपरा है, शिकार के कारण जैव विविधता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जंतुओं का शिकार करता है जिससे हाथी दांत के लिए हाथी का शिकार, कछुओं का उसके खोल को पाने के लिए कछुओं का शिकार करता है। बच्चों बहुत सी ऐसी प्रजातियों जो उनमें उनका एक विशेष जैसे कस्तूरी मृग का निरंतर शिकार करता है, अपने भोजन के लिए निरंतर शिकार करता है जिसके कारण बहुत सी प्रजातियों को एक खतरा उत्पन्न हो गया जिससे हमारी जैव विविधता प्रभावित होती है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जैसे हम वहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी गौरैया है आज नष्ट होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि हमने मनुष्य ने उसका लगातार शिकार किया है और आज उसका टिड्डी दलों का जो प्रकोप बढ़ रहा है वो इसका एक प्रमुख परिणाम के रूप में सामने आ रहा है। यदि गौरैया की संख्या अधिक होती तो शायद टिड्डी दल इतना आक्रमणकारी ना हो पाता। तीसरा भोजन के लिए सामान्य बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी मनुष्य का तो भोजन के लिए निरंतर जैव विविधता का दोहन करेंगे और जिससे हमारी जैव विविधता प्रभावित हो रही है। चौथा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण। बच्चों हम लोग देखते विदेशी जातियों का तात्पर्य ऐसा है कि यदि हम अपने किसी प्राकृतिक क्षेत्र में किसी बाहर से किसी प्रजाति को ला करके रख दें और उसके प्रभाव के कारण हमारी देसी जातियां विलुप्त होने लगे तो इसे हम विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण जैव विविधता का पतन मानते हैं या जैव विविधता का क्षय मानते हैं। बच्चों हमने इसका एक उदाहरण बताते हैं आपको कि जैसे मछलियों को मत्स्य उद्योग को बढ़ाने के लिए अफ्रीका की जो कैटल फिश है उसको अफ्रीका से लाकर यहाँ के भारत में उसको स्थान दिया गया, भारत में रखा गया। उसके परिणाम से कि पहले तो बहुत अच्छा लगा किंतु आगे चलकर ये ज्ञात हुआ कि जो उस मछली के प्रभाव से हमारी जो देसी जातियाँ हैं वो विलुप्त होने लगी क्योंकि वो मछली जो है वो हमारी देसी प्रजातियों को नष्ट करने लगी, उनके ऊपर हावी हो गई। इसे हम विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण जैव विविधता कहते हैं। सहविलुप्तता के कारण, सहविलुप्तता मतलब अर्थात यदि किसी जीव जाति पर कई प्रजातियां निर्भर करती हैं और उस मुख्य प्रजाति का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है, यदि वो नष्ट हो रही है किसी कारण से तो उसके ऊपर जो निवास करने वाली जो प्रजातियां हैं वो अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएंगी।
हम मान लेते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, एक पेड़ है कहीं पर, उस पेड़ पर बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, कुछ पक्षी भी रहते हैं। अगर मान लेते हैं वो पेड़ किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में, पर बहुत दूर दूर तक वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है, एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे जीवों ने अपना निवास बनाया हुआ, और किसी कारण से वो पेड़ सूख जाता है तो उस पेड़ पर निवास करने वाले समस्त प्रजातियों पर एक अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसे हम सहविलुप्तता के नाम से जानते हैं। प्रदूषण, प्रदूषण जैसे बच्चों हम लोग जानते हैं, प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है जिससे जैव विविधता को क्षति हो रही है। बहुत सी प्रजातियां प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे पक्षी नष्ट हो गए हैं, गिद्ध नहीं दिखाई पड़ते हैं, प्रदूषण का प्रभाव है। हमें गंगा में डॉल्फिन के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है जल प्रदूषण के कारण। इसी तरीके से रेडियो धर्मी प्रदूषण भी जो होता है, उसका तो इतना दुष्प्रभाव है कि पता भी नहीं चल पाया कौन सी जातियां कब नष्ट हो गई। औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण जो व्यापारी है और औद्योगिक इकाइयां हैं, वो अपना कचरा जो होती हैं वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से छोड़ देती हैं। उनकी चिमनियों से निकला हुआ धुआं वायुमंडल को प्रभावित करता है। उनके कल कारखानों से निकला हुआ गंदा जल जो यहाँ पर निवास करने वाली प्रजातियां हैं उनके अस्तित्व पर खतरा बनकर, प्रमुख रूप से खतरा बनकर सामने आ रहा है। कीटनाशकों का लगातार प्रयोग, खेती में जो कीटनाशकों का लगातार प्रयोग हो रहा है, उसके कारण उस फसल के साथ साथ जो अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं ये वो पूर्ण रूप से नष्ट हो रही हैं। जो सूक्ष्म जीव पाए जा रहे थे हमको पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत से सूक्ष्म जीव मृदा में जो पाए जाते हैं उनको देख भी नहीं सकते, वो सब नष्ट हो रहे हैं। जो कि कभी अपघटक का कार्य करते थे कीटनाशकों के बहुत से नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमस जो हमारा ह्यूमस है उतनी अधिक मात्रा में बनने नहीं बन पाता है, और ये इससे उत्पादकता घटती है। बच्चों IUCN ने 2004 के अनुसार बताया कि 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, और यदि ये प्रजातियों के विलुप्त होने का क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले 100 वर्षों में लगभग पृथ्वी की आधी जीव जातियां विलुप्त हो सकती हैं। बच्चों हम जाते हैं, जब जीव जातियां नष्ट हो रही हैं तो इनके संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसको संरक्षण के लिए हम लोग कई कारण हैं, इसको हम लोग तीन भागों में समझ सकते हैं। एक तो संकुचित कारण है, अर्थात एक व्यक्तिगत लाभ का कारण, ये हम समझ सकते हैं, जैसे ईंधन की प्राप्ति, लकड़ी की प्राप्ति, भोजन और दवाइयों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। नंबर दो पे उपयोगी कारक आते हैं। उपयोगी कारण मतलब ह्यूमस निर्माण, ऑक्सीजन की प्राप्ति, वर्षा की बढ़ोतरी, मृदा अपरदन में कमी के कारण भी हम इसका संरक्षण आवश्यक है। नैतिक कारण, जब जैव विविधता के द्वारा हमें प्रकृति के द्वारा इतना कुछ प्राप्त होता है तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस जैव विविधता का संरक्षण करें। बच्चों हम लोग इस संरक्षण के लिए बहुत सारी विधियों को अपनाते हैं। इसमें एक स्वस्थ स्थानीय संरक्षण है जिसमें जीव जातियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान में संरक्षित किया जा सकता है। बहिस्थानीय संरक्षण जिसके अंतर्गत हम उनको विशेष क्षेत्रों में ले जाकर उनको संरक्षित करते हैं। जीन बैंक, यदि हम किसी प्रजाति के उसके जो जर्म प्लाज्म को संरक्षित कर लेते हैं और उसको आगे विकसित कराते हैं तो ये जीन, ये बहुत बड़ी विधि है। टिश्यू कल्चर, पौधे के किसी पार्ट को, पौधे के किसी भाग को संरक्षित करने की विधि है। क्रायो प्रिजर्वेशन, किसी विलुप्त होने वाली प्रजाति को -196°C तापमान तक, अगर उसको माइनस तापमान पर अगर संरक्षित है, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। बच्चों इस प्रकार से हम जानते हैं कि हम लोग जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको अंत में हम एक गृह कार्य देते हैं जिसमें आपको ये करना है कि आप भारत में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों बायोस्फीयर का सर्वेक्षण करिए और उनके नाम लिखकर और उसमें जो संरक्षित किए जाते हैं उनके जीवों के नाम बताइए। धन्यवाद।